नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए हमारा फर्ज है कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाना। सांस लेने में आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात। सर एक बच्चा आया है केवल, वो भाग गई फिर से। अरे मैम पहले रूम 3 की लिंक भेजी थी उन्होंने हमको। हेलो एवरीवन, अभी आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हो प्लीज अपने अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी कॉल करो और बोलो कि वो लोग ज्वाइन करें। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ अपनी मूवी क्लास का। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आप लोगों का लास्ट टाइम पे क्वांटम सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं, आप लोग मुझे चैटिंग के थ्रू बता सकते हो। कोई नहीं रूम 3 की लिंक भेजी थी, कोई बात नहीं है।
अभी ठीक है, रूम फोर है मेरा, अब आ रही है ना आप लोगों को आवाज? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं अभी 2 मिनट वेट कर लेती हूँ, आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स को कॉल करके जल्दी बोलिए कनेक्ट करने के लिए, जो जो नहीं है उनको बोलिए। रुक रुक कर आवाज आ रही है जिवेश, आपकी प्रॉब्लम होगी, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने किया है, तो फिर आप लोग फ्रेंड्स को बोलिए अपनों को, गर्ल्स एक भी नहीं आई है, आप लोगों को तो मैं जानती हूँ, आप लोग बुलाइए। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों की फिजिक्स में क्वांटम स्टार्ट की थी, और क्वांटम ही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, क्वांटम एक सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, आप इस चीज को मत भूलना, और क्वांटम जब जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, आप लोग आगे भी कहीं भी जाओगे पीएचडी के लिए या कहीं भी जाओगे, तो सभी जगह आपको क्वांटम ही पढ़नी है, क्वांटम इज द बेस्ट सब्जेक्ट। निशांत कौन है, मुझे चलो नाम याद नहीं है आप लोगों के, बट वाई फेस में आप सभी को जानती हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आप लोग बच्चे ज्वाइन होते रहेंगे बाद में आराम से। चलिए चलिए, काफी ज्वाइन हो गए, बहुत हैं, इतने भी ज्वाइन हो गए हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी, एक बार सागर और ज्वाइन हो जाए, सागर आई थिंक ज्वाइन हो गया, सागर आप ज्वाइन हो गए? हाँ जी, मैं न्यू सिलेबस से पढ़ाऊंगी, और मैं आज आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि आपके सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, क्योंकि देखो मैं पढ़ाऊंगी, हो सकता है मुझे कंटिन्यू में ध्यान ना रहे, बट आप लोगों का तो पूरा कंसंट्रेशन ही इस चीज पे होता है कि क्या कहते हैं मैम बस ये टॉपिक ना पढ़ाए, ये टॉपिक कम हो जाए, तो वो मैं आज आप लोगों को टॉपिक्स बता दूंगी कि आपके हर यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, लेकिन मैं केवल उसी यूनिट के टॉपिक्स बताऊंगी जिस यूनिट को मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बोल रही थी कि आपके, देखो मुझे नहीं पता, आप लोगों ने लास्ट टाइम, मेरे पास उस टाइम लैपटॉप नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों में कौन कौन ज्वाइन हुआ था, कौन ज्वाइन नहीं हुआ था, है ना, तो उसके लिए मैं बोल देती हूँ आप लोगों को कि जो ज्वाइन हुए थे वो तो अच्छी बात है, जो नहीं हुए थे उनके साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए मैं आगे बोलती हूँ आप लोगों से कि मैं अब जो भी पढ़ाऊंगी मैं स्टार्टिंग से ही कराऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक कुछ इश्यूज भी रहे थे जिसकी वजह से आप लोगों को कभी मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो अब सारे इश्यूज नहीं रहेंगे, और आप लोग मुझे चैटिंग के थ्रू कुछ भी पूछ सकते हो, हाँ किसी को अगर मुझसे बात करनी है तो वो चैटिंग से मुझे बोल सकता है कि मैम प्लीज मुझे अनम्यूट करो, तो मैं अनम्यूट करके उससे बात भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे फ्रेंड्स हो मेरे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को भी, आप लोग आराम से पढ़िए, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं नहीं जानती, आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ, तो आप लोग मुझसे जो क्वेश्चन पूछना है चैट के थ्रू क्या कहते हैं, आप लोग अनम्यूट होकर भी मुझसे पूछ सकते हो जो आपको पूछना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हर पार्ट में, आपको पता है फिजिक्स में भी आपके 3 बुक है, पहली बुक है आपकी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, एंड सेकेंड बुक है आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एंड थर्ड बुक है आपकी, आई थिंक सो आपकी थर्ड बुक जो है वो है आपकी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, आप लोग ये 3 बुक्स के सबसे पहले फर्स्ट पेज पे नाम लिख लीजिए कि आपके 3 बुक्स कौन कौन सी हैं, क्वांटम फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एंड थर्ड आपकी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है। ठीक है, तो आप लोग ये 3 बुक्स के नाम लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, फास्ट फास्ट। लिख लिया, मैं आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ाऊंगी, जब जिस दिन क्वांटम फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी उस दिन मैं आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ाऊंगी, आई डोंट नो ये कौन पढ़ाएगा, मे बी आरके सर, ओके
तो आप लोगों को शायद आरके सर पढ़ाएंगे, आई डोंट नो आप लोग पढ़े हो या नहीं। आप लोग प्लीज मुझे बताओगे कि आरके सर से आप पढ़े हो पहले या कभी नहीं, कोई भी एक जना मैसेज करके मुझे बताए कि आरके सर से आप लोग पहले पढ़े हो इंग्लिश मीडियम में, आई मीन इंग्लिश मीडियम की वो क्लासेस लेते हैं या नहीं। नहीं, ओके ठीक है ठीक है, चलिए कोई नहीं, देखा जाएगा। थर्ड भी शायद मैं ही पढ़ाऊं, पढ़ाते रहेंगे। फिलहाल आप लोगों के पेपर हुए हैं या नहीं आप मुझे ये बताइए, लास्ट ईयर मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी यहाँ थी, सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, नहीं हुए पेपर। ओके पेपर नहीं हुए आप लोगों के, बढ़िया है आप लोग अच्छे से पास हो गए होंगे तो फिर तो चलिए ठीक है। फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, फर्स्ट पेपर हुआ है। किस चीज का पेपर हुआ था आप लोगों का फर्स्ट पेपर सेकेंड ईयर में? रियल, अच्छा मैथ्स का हुआ है, ओके ओके ओके, हाँ मैथ्स का तो मुझे पता है, मुझे लगा फिजिक्स का हुआ है। ठीक है जो हो गया नहीं हुआ वो छोड़िए, अच्छी बात है आप लोग बच गए, मुझे भी खुशी है इस बात की। चलिए ठीक है, ये नाम लिख लिया आप लोगों ने, अब आप डालिए आपकी क्वांटम फिजिक्स। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी क्वांटम फिजिक्स जनरेट क्यों हुई। ठीक है देखिए, सबसे पहले क्या माना जाता था कि आपकी 19th सेंचुरी में ये माना जाता था कि फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं, आप उन्हें तीन लॉस पढ़े हैं फिजिक्स के, उन फिजिक्स के तीन लॉ के थ्रू आप पूरी की पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले ये माना जाता था कि हमारी जितनी भी फिजिक्स है वो सारी की सारी वो फिजिक्स के तीन लॉ, उनके थ्रू हम लोग पूरी फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। बट ऐसा बाद में 20th सेंचुरी आते आते कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए अगर आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, तो एक पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप तीन लॉस लगा सकते हो। आपने पढ़े हैं सबने v equals to u plus at, v square बराबर u square plus 2as और s बराबर ut plus half at square। यानी कि एक पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको तीन इक्वेशंस की जरूरत पड़ रही है। एक पार्टिकल का मतलब जानते हो, सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल हुआ, सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल है तो सिस्टम के अंदर अगर एक पार्टिकल है, अगर दो पार्टिकल है तो भी आप चलो 6 इक्वेशंस लगा दोगे आप पूरे मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन सिस्टम के अंदर अगर 10 पार्टिकल है तो भी आप 30 इक्वेशंस लगाओगे तब जाके उसका वो सॉल्व होगा। अब 30 इक्वेशन कितने कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे हर एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। चलो ये तो मैंने पार्टिकल्स गिने हुए थे, बट क्या रियलिटी में किसी भी सिस्टम्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है? और अगर उनको काउंट किया जा सकता है तो हर पार्टिकल की तीन इक्वेशंस आएंगी, आएंगी ही नहीं आएंगी? अब हर पार्टिकल की तीन इक्वेशन है तो सोचो कितने पार्टिकल्स और उनकी कितनी इक्वेशन, क्या उनको एक्सप्लेन करना इजी होगा? नहीं होगा। तो यानी कि फिजिक्स के जो तीन लॉज हैं वो पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसको एक्सप्लेनेशन के लिए एक नई थ्योरी, नई फिजिक्स आई जिसका नाम क्या था आपका, क्वांटम फिजिक्स। समझ में आया? ये तो थी पुराना डिस्क्रिप्शन। अब देखिए 19th सेंचुरी में ये भी माना जाता था कि पार्टिकल और वेव इन दोनों को ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल्स को और वेव को। ये तो पार्टिकल की बात चली थी, लेकिन हर चीज से अगर कोई पार्टिकल लिंक्ड है तो उस पार्टिकल से एक ना एक वेव लिंक्ड होती है, तो पार्टिकल और वेव। अब पार्टिकल्स को तो न्यूटन्स लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और जो आपकी वेव थी उनको मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्रू आपने डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन बाद में कुछ तीन चार टॉपिक्स ऐसे आए जैसे कि जिसका फर्स्ट नाम था ओके मैं टॉपिक्स भी बता दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। पहले थोड़ा सा ये बता लीजिए कि क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसके बाद मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। आपको बहुत जल्दी है ये जानने की कि है ना मैम टॉपिक्स कौन से हटा दिए, अरे कौन से हटा दिए ये मत सोचो, कितने सारे टॉपिक्स हैं ये सोचो। क्वांटम सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार आप लोगों ने कर लिया ना आप सारा डिस्क्रिप्शन खुद कर सकती हो, क्योंकि मैं तो इतना जानती हूँ लास्ट ईयर थर्ड ईयर हिंदी मीडियम सबने देखी है क्लास, वो उस क्लास में मैं सारे बच्चों को तो नहीं जानती, लेकिन जिन बच्चों को मुझे मेरी नजर में थे वो बच्चे
मैंने एक डिस्क्रिप्शन कराया वो सारे खुद कर लेते थे, लेकिन जो नहीं पढ़ते थे ना उनको पूरे लास्ट टाइम तक समझ में नहीं आया। क्वांटम फिजिक्स में यही है, अगर आपने एक टॉपिक, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी ना आपको अभी स्टार्टिंग में तो नहीं, बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जब हम सेकंड यूनिट तक पहुंचेंगे, अगर आपने एक टॉपिक अच्छे से कर लिया ना सारे टॉपिक एक से एक सारे लिंक्ड हैं और आप सारे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ सकते हो, खुद कर सकते हो, मुझे कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वांटम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा, लेकिन जिसको समझ में आ गया उसके लिए इंटरेस्टिंग है, और जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रही थी, वेव और पार्टिकल। वेव से, वेव को हम मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं और पार्टिकल को हम न्यूटन्स लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन तीन टॉपिक, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थर्ड है आपका कॉम्पटन इफेक्ट, ये तीनों टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी क्वांटम थ्योरी के थ्रू। ये तीनों टॉपिक्स, ये तीन टॉपिक्स ऐसे आए जहां पे आपकी पुरानी फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गई, फेल हो गई। क्लासिकल फिजिक्स कौन सी है, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन और न्यूटन्स लॉज हैं, वो फिजिक्स जो है वो इन तीनों को डिस्क्राइब करने में फेल हो गई। जब फेल हो गई तो एक नई फिजिक्स आई जिसका नाम क्या था आपका, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो जिसका नाम क्या था आपका, क्वांटम फिजिक्स। ओके, तो अब जिवेश को बहुत ज्यादा जल्दी है कि मैम आप हमें फटाफट से ये बता दीजिए कि टॉपिक्स कौन कौन से हटाए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपके टॉपिक्स कौन कौन से हटाए हैं। लिखिए यूनिट फर्स्ट में, लिखिए टॉपिक कौन कौन से हटाए हैं आपके। ठीक है, वन मिनट बेटा, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। लिखिए यूनिट फर्स्ट में आपके जो टॉपिक हटाए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। लिखिए, अब जो हैं वो तो सिलेबस में आपके पास हैं, लेकिन जो हटा दिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपके टॉपिक है वो है आपका, जो हटा दिया है वो बता रही हूं मैं आपको, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हटा दी है, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये, पता नहीं क्यों हटा दी है ना। सेकंड टॉपिक जो है आपका वो है डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ पार्टिकल, ये भी टॉपिक बहुत अच्छा था, आई डोंट नो ये भी क्यों हटा दिया। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हटे हैं आपके केवल फर्स्ट यूनिट में, आप लोग लिख लीजिए। आज मैं सारी यूनिट्स के ही बता देती हूँ आपको जो जो टॉपिक हटाए हैं। ठीक है सचिन, पढ़ने में ध्यान दे लो थोड़ा सा। सेकेंड है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ पार्टिकल, ये दो टॉपिक हटाए हैं आपके यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, यूनिट सेकेंड लिखिए आप लोग, बैरियर, ये तो इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत बड़ा, जो मैं कह रही थी ना सभी एक से लिंक्ड है वो था, स्पेशल शेप्स, बैरियर विद स्पेशल शेप्स, ये टॉपिक हटा दिया आपका। एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये टॉपिक भी आपका हटा दिया है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में ये, यूनिट सेकंड में ये, लिख लो फिर दोबारा पूछोगे मुझसे।
यूनिट सेकंड में, यूनिट फर्स्ट में ये है एंड यूनिट सेकंड में ये टॉपिक हटाए आपके, ठीक है। यूनिट थर्ड में काफी टॉपिक हटा दिए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, लिख लो। बैरियर विद स्फेरिकल शेप्स एंड क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये दो टॉपिक्स आप लोगों के हटा दिए हैं। आई थिंक आप लोगों की क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं ना, हर्षित, जीवेश, निशांत, प्रिंस, अब ये रेडमी के नाम से कौन है, ऋतिक, सचिन और सागर। गर्ल्स का है, एक भी गर्ल्स नहीं है, सिमरन नहीं है, अंशिता भी नहीं है। उन गर्ल्स को बोलिए, मैंने फोन भी किए थे, किसी ने पिकअप नहीं किया, तो उन लोगों को बोलिए ज्वाइन कर लें क्लास, वरना अदरवाइज लास्ट ईयर की तरह ही होगा कि उन्हें फिर से कुछ समझ नहीं आएगा। 15 के आसपास है मैम, क्या चीज 15 के आसपास है, आई मीन अच्छा बच्चे टोटल, ओके 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 ठीक है। 10 तो हो गए ज्वाइन, 10 में से 2 तो हम है, 8 है, जो भी है बोलिए उनको, ओके। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्वांटम में किसी का भी कुछ छूटे, क्योंकि एक बार छूटने पर सारे टॉपिक्स लिंक्ड हैं। आप लोग थर्ड ईयर वाले बच्चों से पूछ भी सकते हो कि क्वांटम में हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है, अगर आपको एक टॉपिक नहीं आएगा तो आप दूसरे टॉपिक को कभी समझ ही नहीं सकते। आप सोचना ही मत कि आप समझ पाओगे उस टॉपिक को, क्योंकि सारे टॉपिक क्वांटम के अंदर एक दूसरे से लिंक्ड होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वांटम फिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, तो क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, फिर क्वांटम फिजिक्स में जो 3 टॉपिक थे वो क्यों पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको 3 टॉपिक्स बता दिए कि वो एक सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज लिंक्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है। यूनिट थर्ड में लिखिए, देखिए स्पीड कम ज्यादा हो वो आप लोग मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता, मैं कभी कभी स्पीडली पढ़ा जाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो मुझे बोल सकते हो कि मैम थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए। यूनिट थर्ड में देखिए टॉपिक है आपके क्वांटम एंड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। मैं ये सारे टॉपिक बोल दूं क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं लिखने में, मुझे लगता है पूरी क्लास फिर इसी में निकल जाएगी, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका क्वांटम एंड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका, लिख लीजिए इस टॉपिक को। दूसरा टॉपिक है पैरिटी, दूसरा टॉपिक है पैरिटी। तीसरा है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं रही कुछ। विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये टॉपिक का नाम है इतना बड़ा, ठीक है। सिमेट्रिक वेव फंक्शन विद, ओके, क्वालिटेटिव डिस्कशन, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स, ओके। नेक्स्ट है वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ये सारे टॉपिक हटाए, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
लिख लीजिए, ये टॉपिक सबके हटाए हैं, अभी और भी टॉपिक हैं यूनिट थर्ड में, वो बता दूंगी मैं, पर उससे पहले आप लोग ये टॉपिक्स लिख लीजिए सारे के सारे। आप पे से लिख कौन कौन रहा है? दिसंबर तक पूरा हो जाएगा क्या मैम? बेटा नहीं, छोटी मोटी बुक नहीं है, थर्ड ईयर है, छोटा मोटा काम नहीं है, तो दिसंबर तक तो एक्सपेक्ट ही मत करो, जिसमें दिवाली की छुट्टियां आएंगी दो तीन दिन की, तो जो भी है। हाँ जी, एग्जाम मार्च में ही होंगे, और अभी डिपेंड करता है कोरोना पे, मे भी मई तक खिंच जाए, तो आप लोग आराम से मार्च तक पढ़ते रहना मुझसे, ठीक है? देखिए, अगर तीनों बुक्स मैंने पढ़ाई तो जितनी मेरी कोशिश रहेगी, अभी अक्टूबर आपका ऑलमोस्ट आधा तो निकल चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो ये बुक हो पाएगी एक क्वांटम की, मतलब 15 दिसंबर के आसपास तक। उसके बाद दिसंबर और जनवरी डेढ़ महीने में आपका जो सेकेंड है सॉलिड स्टेट, वो मैं कंप्लीट करा पाऊंगी, तब जाके एक सब्जेक्ट किसी और को लेना पड़ेगा। मतलब कोई लिख ही नहीं रहा है, मैं पागल हूँ जो यहाँ लिखा रही हूँ? है आप लोग रफ में नहीं लिख सकते, मैं कॉपी लाऊंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा? आप लोग लिखिए, आप लोग लिखोगे नहीं फिर दोबारा कहोगे मैम हमने बताया नहीं कि टॉपिक कौन कौन से हट रहे हैं, फिर दोबारा लिखाना पड़ेगा मुझे। देखो इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने का, लिख रहे हैं मैम, ये मजे ले रहे हैं। ओके ओके, लिखिए। देखिए किसी को मुझसे बात करनी है तो मैं उसको अनम्यूट कर सकती हूँ, तो आप लोग मुझे बता दीजिए अगर किसी को बात करनी है तो। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट कब तक लोगे, कितने स्क्रीनशॉट लोगे हर्षित? स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा बताइए, सभी का हो गया, लिख गया? किसी को अनम्यूट होके कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ सकता है। सचिन, ये फेसबुक नहीं है जो तुम चैटिंग फालतू भी कर रहे हो, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं लिखोगे चैटिंग में, ओके? बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है उल्टा सीधा लिखने से। लिख लिया, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में ही। इसी में ही आपका थर्ड यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है। एवरेज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एवरेज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड नेक्स्ट है आपका बोहर करेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। ये टॉपिक आपके थर्ड यूनिट के थे, जितने भी मैंने इससे पहले वाले ब्लैक बोर्ड पे और अब जो लिखे हैं, ठीक है? नाउ यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ में जो आपके टॉपिक हटाए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। Absorption and emission spectroscopy. Okay, it's block diagram. ये टॉपिक वो हैं जो हटाए गए हैं, ना कि जो कराने हैं, ठीक है? फंक्शन
आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा. इसी में आगे है एंड इट्स लिमिटेशन. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको सब लिखा दिए कि आपके कौन कौन से हटेंगे. अब आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए. ठीक है, किसी को बात करनी है मुझसे तो बता दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी, आप मुझसे बात कर सकते हो. किसी को जो भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, और इसके अलावा तो टॉपिक्स मैंने आपको सारे लिखा दिए, जबकि मैंने किसी भी क्लास में नहीं बताया कि कौन से टॉपिक हटे हैं, बस आपकी क्लास में, क्योंकि जल्दी है आपकी क्लास. हाँ जी बिल्कुल, सॉलिड स्टेट के भी हटे हैं आपके और न्यूक्लियर के भी हटे हैं, लेकिन जो पढ़ाएंगे वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट छोड़ दो जीवेश, जो पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट वो पढ़ लो. प्लान कहीं ये तो नहीं है कि बस मैडम से मैं टॉपिक पूछ लूं फटाफट से और फिर मैं अपने आप कर लूंगा जो मुझे पढ़ना है ना? ऐसे ही कुछ प्लान है जीवेश आपका? चलिए हो गया आपका. आई थिंक सब लोगों ने ये स्क्रीनशॉट टॉपिक जो भी लिखना है, लिखनी जो भी करना है आप लोग कर लीजिए. एटलीस्ट मैं ऋतिक और प्रिंस से तो ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये लोग लिखेंगे. हर्षित भी लिखता है. हाँ आई नो वेरी वेल, हर्षित भी लिखता है. ठीक है, तो देखिए मैं नहीं, मुझे नहीं पता सेकंड ईयर में आपने किसने लिखा, किसने नहीं लिखा, किसने कितना लिखा, लेकिन मैं चाहती हूँ प्लीज थर्ड ईयर में लिखिए, क्योंकि लग अच्छा था एग्जाम्स नहीं हुए, लेकिन थर्ड ईयर में एग्जाम्स होंगे. और क्वांटम मैं फिर बोल रही हूँ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से आएगा, नहीं आएगा तो जैसे लास्ट ईयर आप लोग कहते रहे थे ना मैडम थर्मो नहीं आई समझ में, मैडम थर्मो नहीं आई समझ में, ऐसे ही कुछ इसमें होने वाला है, फिर आपको ये भी नहीं समझ में आया. ठीक है, तो प्लीज एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं आपसे कि आप लोग कल अपने कॉपी वगैरह जो भी आपको लेके आना है आप लोग लेके आओगे और आप लोग लिखोगे उस चीज को. ओके, चलिए ये तो हो गया. तो मैंने आपको बता दिया कि क्वांटम फिजिक्स क्यों स्टार्ट हुई है एंड क्लासिकल फिजिक्स क्यों फेल हुई है. मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, है ना? तो मैंने आपको बताया था क्लासिकल फिजिक्स में आपके न्यूटन्स लॉ होते हैं एंड मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं. न्यूटन्स लॉ के थ्रू आप पार्टिकल को एक्सप्लेन कर सकते हो एंड क्या कहते हैं, वेव इक्वेशंस के थ्रू आप लोग मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्रू आप लोग वेव को एक्सप्लेन कर सकते हो. लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे, क्योंकि एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए. डेट मीन एक सिस्टम के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, उन सबकी स्टडी के लिए आपको कितनी सारी इक्वेशन चाहिए होंगी, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. तो जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई. जब क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई तो एक नई थ्योरी डेवलप हुई जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी. तो क्वांटम हमने इसलिए जनरेट की गई है कि आपका जो पार्टिकल का जो डिस्क्रिप्शन है, जब बहुत सारे पार्टिकल्स हों, इनफाइनाइट की रेंज में पार्टिकल्स हों, तो क्वांटम थ्योरी के थ्रू अगर हम एक पार्टिकल के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं तो हमें उस पूरे सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाता है. सेकेंड चीज मैंने आपको एक और बताई थी कि आपकी क्वांटम थ्योरी, सॉरी क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हुई.
क्लासिकल थ्योरी इसलिए फेल हुई क्योंकि आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये तीन इफेक्ट ऐसे थे जिसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो एक नई थ्योरी डेवलप्ड हुई जिसका नाम भी क्या था, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, आगे की फिर मैंने आपको बताया कि क्लासिकल थ्योरी जब इनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई तो जो क्वांटम थ्योरी ने इनको जब एक्सप्लेन किया इन तीन चीजों को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आपका क्वांटम इफेक्ट, तो वही इफेक्ट जो है वो हम फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैं आपको बताऊंगी कि क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हो गई, क्लासिकल थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सिमिलरली क्वांटम में भी, सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी, तीनों इफेक्ट्स में मैं आपको बताऊंगी कि क्लासिकल थ्योरी किस तरीके से फेल हुई और क्वांटम थ्योरी में उसने क्या एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ठीक है, आज की क्लास मैं आप लोगों की यही खत्म करती हूँ और कल से हम फिर अगेन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।